हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी, चौलाई के साग के डंठल की सब्जी। अमूमन आप चौलाई का साग खरीद के लाते होंगे, साग बना लेते होंगे, इसके डंठी को फेंक देते होंगे। बिल्कुल अब से हम बिल्कुल इसे नहीं फेंकना है। इस तरीके से आप इसकी सब्जी बनाइए, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के ये तैयार होती है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल सुपर इसका टेस्ट लगता है। कोई नहीं कहेगा आपने इसे चौलाई के साग के डंठल से तैयार किया है, बहुत ही टेस्टी है लगती है। तो देर किस बात की, चलिए बिना देरी के इसे बनाना शुरू करें। इसकी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे साफ करेंगे। इस तरीके से इसके पत्ते तोड़ के हमने हटा दिए हैं, इसे तोड़ेंगे और इस तरीके से इसके छिलके निकालेंगे, जिस तरीके से हम बोदो का या फिर बीन्स की सब्जी बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से इसको हम ये छिलके अलग करके इस तरीके से इसे तोड़ तोड़ के रेडी करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जब ये ताजी रहे आप इसके पत्ते तोड़े उसी समय इसके छिलके इस तरीके से कर दें, या आराम से इसके ये निकल आते हैं और बहुत ही टेस्टी इसकी सब्जी लगती है। तो जब भी आप चौलाई का साग खरीदें, इसको फेंके नहीं, इसकी सब्जी इस तरीके से बनाए, बहुत मज़ेदार बनेगी। तो इस तरीके से हम सारे डंठल का बना लेते हैं। साग के डंठल को मैंने काट लिया है इस तरीके से, देखिए तोड़ के मैंने इसे तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसे आलू के साथ मिला के भी बना सकते हैं, इसके साथ आलू भी मिक्स करके उसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। मैं सिर्फ इसी की सब्जी बना रही हूँ। इसके अलावा मैंने लिया है दो प्याज, प्याज को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। इसके साथ ही लिया है मैंने अदरक और लहसुन, इसे कूट के मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो चलिए पहले ये प्रिपरेशन कर लेते हैं। गैस हमने ऑन कर लिया है, कढ़ाई चढ़ा ली है, डालेंगे इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल अभी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अभी हमें हल्का सा उसे फ्राई करना है, तो बहुत ज़्यादा तेल हम नहीं डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, डाल देते हैं इसमें अपनी साग की डंडियाँ। बहुत ही टेस्टी इसकी सब्जी बनकर तैयार होती है। दोस्तों वीडियो बनाने मुझे बहुत मेहनत लगती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। थोड़ी देर में इसे फ्राई करते हैं। डंडी हमारी भुन गई है, अब देख सकते हैं इसे हम निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने कम पकड़ दिया है। ये पतली पतली सी डंडियाँ होती हैं, बिल्कुल बहुत जल्दी ये पक जाती हैं। इसे निकाल लेते हैं पूरा। सारी डंडी हमने निकाल ली है, ऑयल डाल दिया है, डालते हैं थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च, चाहे तो नाल भी डाल सकते हैं। मिर्च हमारा हो गया है, डालते हैं इसमें प्याज। बहुत ही टेस्टी है सब्जी लगती है, आप इसके साथ का साग भी बना लो, डंडल की सब्जी बना लो, कोई नहीं कहेगा ये चौलाई के डंडल की सब्जी बनी हुई है। बिल्कुल जिस तरीके से बीन्स की सब्जी लगती है उसी तरीके से इसका टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटा ये बनकर तैयार होता है। तो अब आगे से आप जब भी चौलाई लाए उसकी डंडियों को इस तरीके से सब्जी बना लें। डाल देते हैं हम इसी समय इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ताकि प्याज हमारा गल जाए। तेल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, इसीलिए नमक डालने पर ये पानी छोड़ देगा तो प्याज हमारा इजीली भुन जाएगा कम तेल में भी। इसको सॉटी करते हैं। प्याज हमारा सॉटी हो गया है, डाल देते हैं हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने कूट के तैयार किया हुआ है। बहुत ही टेस्टी है सब्जी बन के तैयार होगी, इस तरीके से बहुत ही चटपटी लगती है। आधे मिनट तो इसको भी भून लेते हैं। अदरक लहसुन हमारा भून गया है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है। डालेंगे हम इसमें कुछ मसाले, फ्लेम को सिम करते हैं। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर,
जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें, हल्का सा हमारा पानी। मसाले हमने सूखे डाले हैं इसीलिए मैंने इसमें भुनने के लिए पानी डाला है ताकि मसाले अच्छी तरह से भुन जाए और साथ में बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप ऑयल ज़्यादा भी खाते हो फिर भी ये इसमें ज़्यादा सब्जी में ऑयल नहीं डालें, कम ऑयल में इसे पकाने की कोशिश करें। एक दो मिनट तक मसालों को अच्छी तरीके से भून लेना है। टमाटर का हमें इस सब्जी में उपयोग नहीं करना है। मसाले हमारे भून चुके हैं, आप देख सकते हैं मसाला हमारा कढ़ाई को छोड़ने लगा है। इस स्टेज पर डाल देंगे आपने इसमें अपनी चौलाई की डंडियां। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनके ये तैयार होती है। आप जरूर बना के ट्राई करें, कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। हल्का से इसके साथ हम इसे भून लेते हैं। हल्का मैंने इसे भून लिया है, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसाले हमारे ऑलरेडी भुने हुए हैं। इनको डंडियों को भी मैंने ऑलरेडी फ्राई कर रखा है। तो डालेंगे इसमें हमारा जाएगा हल्का पानी, बहुत ज़्यादा ग्रेवी हमें नहीं रखनी है। और डंडी अगर आपकी पतली पतली है तो बहुत जल्दी ये पक जाती है। अगर आप फ्रेश बिल्कुल ताज़ी साग ला के बनाते हो तो डंडियाँ बहुत जल्दी पक जाती हैं। अगर थोड़ी पुरानी पड़ी हुई है तो फिर आपको पकाने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो इजीली बहुत जल्दी, क्योंकि डंडियाँ इनकी सॉफ्ट होती है तो जल्दी पक जाती है। अगर ताज़ी होगी तो बहुत जल्दी ये पक जाएगी, बहुत बढ़िया टेस्ट देती है ये। कोई नहीं कहेगा आपने इसे डंडियों से बना के तैयार किया है, बहुत मज़ेदार सब्जी बन के तैयार होती है। पानी मैंने डाल दिया है, सब्जी को ढक लेते हैं, दो तीन मिनट तक इसे पकने देते हैं। सब्जी बनते हुए हमारे दो तीन मिनट हो गए हैं, खोल के देखते हैं। वाओ सुपर, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनके हमारी तैयार हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया और मज़ेदार बन गई है, तैयार हुई है। इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। सब्जी बनके हमारी बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार खाने में लगती है। कोई नहीं कहेगा आपने इसे चौलाई के साग के डंठलों से बन के तैयार किया है, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार सुपर टेस्ट देती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।